अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास क्या, बेसिक ब्लॉक एंड फ्लो ग्राफ। लास्ट लेक्चर जो था हमारा वो क्या था, थ्री एड्रेस कोड जनरेशन फ्रॉम सी प्लस प्लस। द बेसिक ब्लॉक इज अ सीक्वेंस ऑफ कंजक्टिव स्टेटमेंट्स विच आर ऑलवेज एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस विदाउट हाल्ट और पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रांचिंग। यानी कि बेसिक ब्लॉक क्या है, सीक्वेंस ऑफ कंजेक्टिव स्टेटमेंट्स हैं। कंजेक्टिव स्टेटमेंट्स का मतलब होता है एक के बाद दूसरी स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है, विच आर ऑलवेज एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंस विदाउट हाल्ट और पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रांचिंग, कि बिना किसी प्रोग्राम के क्रैश किए, ठीक है, या बिना उसके किसी और पार्ट के जो कंजेक्टिव स्टेटमेंट्स आपकी होंगी उनको हम कह सकते हैं कि वो हमारा बेसिक ब्लॉक का हिस्सा हो सकती हैं। जिस तरह से राइट साइड पे एग्जांपल है, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी, इसका अगर हम थ्री डेज कोड बनाएं तो ये हमारे पास कंजेक्टिव स्टेटमेंट्स हैं, लिहाजा इसको हम बेसिक ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। द बेसिक ब्लॉक डज नॉट हैव एनी जंप स्टेटमेंट्स अमंग देम, यानी बेसिक ब्लॉक्स के दरमियान में, ठीक है, कोई भी जंप स्टेटमेंट नहीं होगी, दरमियान में जंप स्टेटमेंट नहीं होगी, ठीक है। बेसिक ब्लॉक के अंदर हो सकती है, बेसिक बेसिक ब्लॉक्स के दरमियान में नहीं हो सकती, ठीक है। व्हेन द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, जब भी कोई पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, ऑल द इंस्ट्रक्शंस इन द सेम बेसिक ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूट, और उसी बेसिक ब्लॉक के अंदर और जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो जैसे ही पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी उसके नीचे वाली सारी की सारी स्टेटमेंट्स क्या होंगी, फिर एग्जीक्यूट होंगी इन देयर सीक्वेंस ऑफ अपेयरेंस, जिस तरीके से हमने उनको पहले मेंशन किया हुआ है उसी तरीके से उसका जो है वो सीक्वेंस का एग्जीक्यूट होने का जो प्रोसेस है वो उसी तरीके से होगा, विदाउट लूजिंग द फ्लो कंट्रोल ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है, विदाउट कंट्रोलिंग विदाउट लूजिंग द फ्लो कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि आपका जो प्रोग्राम का फ्लो है उसको डिस्टर्ब किए बिना आपकी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो सकती है। राइट साइड पे डायग्राम देखें कि इफ ए लेस देन बी देन वन एल जीरो, सी का कोड है, इसकी अगर हम थ्री डेज कोड बनाएं तो ये बना, तो लिहाजा इसके बेसिक ब्लॉक जब हम क्रिएट करेंगे तो देखें इसके अंदर आपका लेबल मेंशन हो गया है, ठीक है। तो हम ऐसे बेसिक ब्लॉक्स नहीं बनाएंगे जिनके दरमियान में क्या हो, कोई जंप स्टेटमेंट हो, ठीक है, लाइन नंबर टू का रूल। कोई भी ऐसा बेसिक ब्लॉक नहीं बनाएंगे जिसके दरमियान में कोई गो टू स्टेटमेंट हो, ठीक है। अब जो है, सर मतलब कंडीशन स्टेटमेंट्स या लूप्स हैं वो नहीं आएंगे? नहीं, आएंगे, उनको लिखने का तरीका बताता हूँ आपको ना, ठीक है। मैंने कहा सेंटर में नहीं आएंगे, ये देखें, द बेसिक ब्लॉक्स डज नॉट हैव एनी जंप स्टेटमेंट्स अमंग देम, यानी दोनों बेसिक ब्लॉक्स के सेंटर में कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं रहेगी, ठीक है। तो दोनों के सेंटर में नहीं रखी जाएगी बल्कि इनको एडजस्ट किया जाएगा, या पहले ब्लॉक में या दूसरे ब्लॉक में, ठीक है। तो इनको एडजस्ट करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। हमारे पास रूल्स क्या हैं कि किस तरीके से हम अपने ब्लॉक्स को बिल्ड करते हैं, यानी कि हमारे पास जो थ्री एड्रेस कोड होता है ना उसको किस तरह से डिफरेंट पार्टीशंस में कन्वर्ट किया जाता है, और उसकी हर पार्टीशन एक ब्लॉक कहलाती है, ठीक है। ये हमने रूल्स डिस्कस कर रहे हैं जिन रूल्स के तहत किस तरीके से हम अपने थ्री एड्रेस कोड को डिफरेंट पार्टीशंस में कन्वर्ट करते हैं, और हर पार्टीशन जो है वो आपके पास एक ब्लॉक कहलाता है, ठीक है। और हर ब्लॉक का कोई ना कोई नाम होता है, हर ब्लॉक का कोई ना कोई नाम होता है। आप ब्लॉक वन, ब्लॉक टू, ब्लॉक थ्री भी कह सकते हैं, आप बी वन, बी टू, बी थ्री भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पार्टीशन का यानी कि उस ब्लॉक का क्या नाम रखते हैं। आफ्टर एन इंटरमीडिएट कोड इज जनरेटेड, जब आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेट हो जाए, फॉर द गिवन कोड, जो भी आपके इनपुट थी उस इनपुट के अगेंस्ट
आपका जो भी थ्री एड्रेस कोड जनरेट हो जाए तो हम क्या करेंगे, वी कैन यूज द फॉलोइंग रूल्स। तो फिर हम ये वाले रूल्स को इस्तेमाल करेंगे टू पार्टीशंस इनटू बेसिक ब्लॉक, यानी इन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम उस थ्री एड्रेस कोड की पार्टीशन करेंगे जो थ्री एड्रेस कोड हमें उस रेलिवेंट सी प्लस प्लस के कोड से हमारा जनरेट हुआ है। ठीक है, तो रूल नंबर वन क्या होगा हमारा, डिटरमिन द लीडर। ठीक है, कि हमने ढूंढना है कि लीडर स्टेटमेंट कौन सी है उनमें से, क्योंकि अगर मैं प्रीवियस पेज पे आऊं तो यहाँ हमने लाइन नंबर तीन पे बात पढ़ी थी कि व्हेन द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, जब भी कोई पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो उसके बाद नीचे आने वाले सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, तो अब वो पहली स्टेटमेंट कौन सी होगी, उस पहली स्टेटमेंट को हम कहते हैं लीडर स्टेटमेंट। तो अब लीडर स्टेटमेंट का तय कैसे किया जाए कि कौन सी लाइन को हम लीडर स्टेटमेंट बनाएं कि उसके नीचे आने वाली सारी की सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएं। ठीक है, तो उसके लिए लाइन नंबर वन ये है कि द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ लीडर स्टेटमेंट, कि हमेशा जहाँ से आपका थ्री एड्रेस कोड स्टार्ट होगा वो आपकी वो पहली जो लाइन है वही आपकी लीडर स्टेटमेंट होगी। ठीक है जी, वो हमारी पहली जो लाइन होगी वो हमारी लीडर स्टेटमेंट होगी। ठीक है, लेकिन एनी टारगेट स्टेटमेंट ऑफ कंडीशनल और अनकंडीशनल गो टू इज अ लीडर। उसके अलावा लीडर स्टेटमेंट कौन सी हो सकती है जी, पहली लाइन तो लीडर होनी ही होनी है, लेकिन पहली लाइन के अलावा और कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो लीडर स्टेटमेंट हो सकती है, तो उसका आंसर ये है कि एनी टारगेट स्टेटमेंट जो कि उस टारगेट लाइन के ऊपर आप जाते हैं यूजिंग कंडीशनल या अनकंडीशनल गो टू की हेल्प से, आप जिस लाइन पर जाते हैं ना वो लाइन भी आपकी क्या होती है, लीडर स्टेटमेंट होती है। इसकी एग्जांपल देखें, प्रीवियस पेज पे अगर मैं आऊं तो इसमें लिखा हुआ इफ ए लेस देन बी गो टू फोर। ठीक है जी, तो ये जो गो टू फोर का मतलब है कि गो टू फोर हमारा जंप करवा रहा है लाइन नंबर चार पे, तो इट मीन्स के लाइन नंबर जो चार है ना वो हमारी टारगेट स्टेटमेंट है। तो टारगेट स्टेटमेंट भी क्या हो सकती है, हमारी लीडर स्टेटमेंट हो सकती है। टारगेट स्टेटमेंट भी हमारी लीडर अच्छा, स्टेटमेंट हो सकती है। और लाइन नंबर तीन पे देखें, गो टू फाइव लीडर लिखा हो, स्टेटमेंट में गो टू आ सकता? हाँ जी गो टू आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन दो ब्लॉक्स के दरमियान में नहीं आ सकता। ठीक है, वो यानी किसी ना किसी ब्लॉक का हिस्सा होगा, ब्लॉक के बाहर नहीं होगा, ये अनकंडीशनल या कंडीशनल जो जंप होगा। ठीक है, तो दो रूल हमने डिस्कस किए किस चीज के, लीडर स्टेटमेंट को डिसाइड करने के। उसके बाद एनी स्टेटमेंट दैट इमीडिएटली फॉलो, एनी स्टेटमेंट दैट इमीडिएटली फॉलो अ गो टू इज अ लीडर, यानी कि आपकी वो वाली स्टेटमेंट्स जो गो टू को फॉलो कर रही होंगी वो भी आपकी क्या होंगी, लीडर स्टेटमेंट होगी। पहली एक तो पहली लीडर स्टेटमेंट जो फर्स्ट लाइन होगी वो तो बाय डिफॉल्ट लीडर स्टेटमेंट होगी ना, उसके अलावा कौन कौन सी हो सकती हैं, कंडीशनल और अनकंडीशनल जंप की सूरत में जो हमारे पास टारगेट स्टेटमेंट होती है वो भी हमारे पास क्या होती है, लीडर स्टेटमेंट होती है। उसके बाद तीसरी लीडर स्टेटमेंट कौन सी बन सकती है, एनी स्टेटमेंट दैट इमीडिएटली फॉलो अ गो टू इज अ लीडर, कि जो भी हमारी गो टू की स्टेटमेंट को फॉलो कर रही है, ठीक है, वो भी क्या हो सकती है, हमारी लीडर स्टेटमेंट हो सकती है। यहाँ तक क्लियर है जी?
सर, लीडर का फायदा क्या होगा हमें? बताता हूँ आपको, फायदा बताता हूँ इसका। अच्छा, अब रूल नंबर टू हमारे पास क्या है? द बेसिक ब्लॉक इज अ फॉर्म्ड, द बेसिक ब्लॉक इज फॉर्म्ड स्टार्टिंग एट द लीडर स्टेटमेंट। यानी बेसिक ब्लॉक का आगाज कहाँ से होगा? वो होगा हमारी लीडर स्टेटमेंट से, ठीक है? यानी जो लीडर स्टेटमेंट, हर ब्लॉक के अंदर कोई ना कोई लीडर स्टेटमेंट होगी, ठीक है? और जैसे ही वो लीडर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो उस ब्लॉक के अंदर बाकी जितनी भी लाइनें होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इस तरीके से सारे के सारे जो ब्लॉक्स हैं हमारे, वो एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है? लेकिन कौन सा ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट करना है, कौन सा ब्लॉक बाद में एग्जीक्यूट करना है, वो हम टॉपिक बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है? अभी हमारा मकसद सिर्फ ये डिस्कस करना है कि हमने ब्लॉक्स बनाने कैसे हैं, ठीक है? और ब्लॉक्स में क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है? तो रूल नंबर टू क्या था कि द बेसिक ब्लॉक इज फॉर्म्ड स्टार्टिंग एट द लीडर स्टेटमेंट एंड एंडिंग जस्ट बिफोर द नेक्स्ट लीडर स्टेटमेंट। यानी किसी भी ब्लॉक का आगाज कहाँ से होगा? जहाँ से लीडर स्टेटमेंट का आगाज होगा। और कहाँ तक वो ब्लॉक की रेंज होगी? जहाँ तक के अगला ब्लॉक ना शुरू हो जाए। जैसे ही अगला ब्लॉक की कोई लीडर स्टेटमेंट आएगी, पिछले ब्लॉक की जो रेंज है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? यानी नेक्स्ट लीडर स्टेटमेंट से प्रीवियस वाली जो लाइन होगी, वो आपके पास बाउंड्री होगी आपकी प्रीवियस ब्लॉक की, ठीक है? और प्रीवियस ब्लॉक की रेंज कहाँ से शुरू होगी? लीडर स्टेटमेंट से। लीडर स्टेटमेंट से लेकर नेक्स्ट लीडर स्टेटमेंट की प्रीवियस लाइन तक जितनी भी हदूद होगी, जो रेंज होगी, जितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी, वो क्या होंगी? वो उस बेसिक ब्लॉक का पार्ट होंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप डिसीजन कर सकते हैं कि मेरे बेसिक ब्लॉक्स जो हैं वो कितने बनाए जा सकते हैं, और कहाँ से मेरा ब्लॉक शुरू होगा और कहाँ पे एंड होगा, ठीक है? और उस ब्लॉक का कोई ना कोई नाम दिया जाएगा, ठीक है? कि B1, B2, B3 या ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। अब देखिए, हमारे पास एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमारे पास 3 एड्रेस कोड ऑलरेडी जनरेटेड दिया हो, ठीक है? तो लास्ट लेक्चर को अगर हम फॉलो करें, तो फॉर एग्जांपल आपने सी के कोड को 3 एड्रेस कोड में जनरेट कर लिया, तो अब इस 3 एड्रेस कोड को हमने क्या करना है, ब्लॉक्स में कन्वर्ट करना है। और अधिकार क्या है कि एक तो देखो, आंखें बंद करके एक जो पहली जो लाइन है आपकी, आपके 3 एड्रेस कोड की, वो बाय डिफॉल्ट आपकी क्या है, लीडर स्टेटमेंट है। जो पहली लाइन है वो आपकी बाय डिफॉल्ट लीडर स्टेटमेंट है। उसके बाद इस लीडर स्टेटमेंट, इस ब्लॉक का आगाज यहाँ से शुरू हो गया है और कहाँ तक जाएगा ये हमने देखना है, ठीक है? और वो हमने, जब हम पहुँचे हैं यहाँ पर आखिरी लाइन के ऊपर, तो हमें पता चला कि यहाँ तक इसका आगाज, यहाँ तक इसका एंड जो है वो नहीं किया जा सकता, ठीक है, पहले ब्लॉक का, क्योंकि आखिरी लाइन पे लिखा हुआ है कि Go to 5। यानी कि Go to 5 इसकी जो टारगेट स्टेटमेंट है इस लाइन की, वो है लाइन नंबर 5। तो ये बात ये जाहिर करती है कि पहले ब्लॉक की हदूद 5वीं लाइन से आगे, और सॉरी, 4थी लाइन से आगे नहीं जा सकती, क्योंकि 5वीं लाइन से तो नेक्स्ट लीडर स्टेटमेंट की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? तो नेक्स्ट ब्लॉक की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। तो पहले ब्लॉक की बाउंड्री पहली लाइन से शुरू हुई और लाइन नंबर 4 पे एंड हो गई। लाइन नंबर 5 से हमारे पास नेक्स्ट बाउंड्री स्टार्ट हुई और वो लाइन नंबर 11 तक गई। इस तरह से हमारे पास लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 5 दोनों हमारे पास क्या हैं, सॉरी, लीडर स्टेटमेंट है, ठीक है? किसी भी ब्लॉक की लीडर स्टेटमेंट है। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन क्या होगा?
बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ लीडर, सो प्रॉड इज इक्वल टू जीरो इज अ लीडर, बिकॉज द टारगेट स्टेटमेंट ऑफ अ कंडीशनल और अनकंडीशनल गो टू इज द लीडर, सो टी वन इज इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई बाय आई इज ऑल्सो अ लीडर। तो दो लीडर हमने डिसाइड कर लिए, ठीक है। तो दो लीडर हमें बताते हैं कि ब्लॉक्स की रेंज कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पे ख़त्म होगी। सो द गिवन कोड कैन बी पार्टीशन्ड इनटू टू ब्लॉक्स एज बी वन और बी टू। तो हमारे हमें पता चला कि ये हमारा ब्लॉक वन होगा और ये हमारा ब्लॉक टू होगा। अभी हमें ये नहीं पता कि हमारा ये ब्लॉक जो हमने बनाए हैं, ये सबसे पहले कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और कौन सा नहीं, ठीक है। तो ब्लॉक हमने बनाया एक ब्लॉक बी वन और एक हमने ब्लॉक बनाया बी टू, ठीक है। तो दो ब्लॉक्स हमने क्या किए, हमने बिल्ड किए, जिसमें से हमारे पास एक बी वन आ गया और एक बी टू आ गया, ठीक है। उसके बाद हम जब ब्लॉक्स बना लेते हैं, तो फिर क्या होता है, जब हम ब्लॉक्स बना लेते हैं, उनको कोई नंबर असाइन कर लेते हैं, तो फिर हमने उन ब्लॉक्स को ना एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। एग्जीक्यूट करना होता है कि आपका जो कोड है, ठीक है, आपका जो थ्री एड्रेस कोड है, वो अब उस सीक्वेंस से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होगा जिस सीक्वेंस में आपने लिखा हुआ था सी प्लस प्लस में, बल्कि अब उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो थ्री एड्रेस कोड के हवाले से एग्जीक्यूशन जो है वो सेट की गई है, ठीक है, ताकि उसको एग्जीक्यूट करके उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। तो उसकी एग्जीक्यूशन को इस्टेब्लिश करने के लिए हमने क्या किया, उसके ब्लॉक्स बनाए हैं, ठीक है। अभी आपने पूछा था कि क्या फ़ायदा है हमें बेसिक ब्लॉक बनाने का, तो बेसिक ब्लॉक का फ़ायदा क्या है कि उसने आपके उस थ्री एड्रेस कोड की एग्जीक्यूशन जो है वो पॉसिबल की है, ठीक है। और उसकी एग्जीक्यूशन को पॉसिबल करने के लिए हमें उसके ब्लॉक्स बनाने पड़े, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमारे प्रोग्राम का जो फ्लो है वो किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो उसको उसके फ्लो को मजीद फर्दर एक्सप्रेस करने के लिए या डिटेल में बताने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, उन ब्लॉक्स की आपस में कनेक्टिविटी करते हैं, ठीक है। हम उन ब्लॉक्स की आपस में कनेक्टिविटी करते हैं, उनको आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन से ब्लॉक ने पहले एग्जीक्यूट होना है और कौन से ब्लॉक ने बाद में एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट है हमारे पास फ्लो ग्राफ का, जो नाम से ही जाहिर है कि वो कोई ऐसा ग्राफ बनाएगा जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे ब्लॉक्स जो है वो किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे। अ फ्लो ग्राफ इज अ डायरेक्टेड ग्राफ। हमेशा क्या होगा कि आपका फ्लो ग्राफ जो होगा वो डायरेक्टेड ग्राफ होगा, यानी आपका जो फ्लो ग्राफ होगा वो डायरेक्टेड ग्राफ होगा, इन विच द फ्लो कंट्रोल इंफॉर्मेशन इज एडिड टू द बेसिक ब्लॉक। और इसमें हम करते क्या है कि हम अपने बेसिक ब्लॉक्स के अंदर उनकी कंट्रोल फ्लो कंट्रोल की इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है, हमारे ब्लॉक्स की एग्जीक्यूशन का पता चलता है, ठीक है, एग्जीक्यूशन के सीक्वेंस का पता चलता है। इसका रूल क्या है जी फ्लो ग्राफ का, एक तो नाम से जाहिर हो गया कि ये ग्राफ होगा, ग्राफ की सूरत में होगा, दूसरा ये डायरेक्टेड ग्राफ होगा, और डायरेक्टेड ग्राफ आप बेहतर तौर पे जानते हैं कि डायरेक्टेड एजिस कौन से होते हैं जिनके आगे हम क्या करते हैं, एरो यूज करते हैं, जिसमें कोई ना कोई डायरेक्शन बताई जा रही होती है। अब फ्लो ग्राफ बनाने का जो पहला रूल है आपके पास, वो पहला रूल ये है कि द बेसिक ब्लॉक्स आर द नोड्स, टू द फ्लो ग्राफ, यानी कि उस फ्लो ग्राफ में जितने भी आपके पास नोड्स होंगी, उन नोड्स को हम कह सकते हैं कि हर नोड एक बेसिक ब्लॉक होगी,
यानी बेसिक ब्लॉक्स को हम क्या बनाएंगे, एज ए नोड्स यूज करेंगे फ्लो ग्राफ के अंदर, ठीक है। जितने भी हमारे पास ब्लॉक्स होंगे उन ब्लॉक्स को हम यूज करेंगे एज ए नोड उस ग्राफ के अंदर, ठीक है। द ब्लॉक हुज लीडर, ठीक है, ऐसा ब्लॉक जिसकी लीडर स्टेटमेंट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कॉल्ड द इनिशियल ब्लॉक, ठीक है। वो वाला ब्लॉक जिस ब्लॉक में थ्री एड्रेस कोड की सबसे पहली लाइन फर्स्ट स्टेटमेंट को आपने लीडर बनाया था, जिस ब्लॉक के अंदर, वो ब्लॉक आपका क्या होगा, वो इनिशियल ब्लॉक होगा, ठीक है। देखें कि अगर मैं प्रीवियस पेज के ऊपर ले आऊं तो हमारे पास प्रॉड इज इक्वल टू जीरो जो था वो इस थ्री एड्रेस कोड की पहली फर्स्ट स्टेटमेंट थी। वो फर्स्ट स्टेटमेंट जिस भी ब्लॉक में होगी, ठीक है, उस ब्लॉक को हम कहेंगे कि वो हमारा इनिशियल ब्लॉक है और उसी ब्लॉक से प्रोग्राम का फ्लो स्टार्ट होगा, ठीक है। यानी कि B1 जो है, B1 से आपके प्रोग्राम का फ्लो शुरू किया जाएगा। उसके बाद देयर इज अ डायरेक्टेड एज फ्रॉम ब्लॉक B1 टू ब्लॉक B2, यानी B1 से लाइन खींच के आपने एक एज लगाना है, किसकी तरफ, डायरेक्टेड एज किसकी तरफ ड्रॉ करना है, B2 की तरफ ड्रॉ करना है, ठीक है। यानी B1 से एक एरो जाएगा B2 में, जिसका जो हमें ये बता रहा होगा कि B1 पहले एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद B2 एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद इमीडिएटली फॉलोज B1 इन द गिवन सीक्वेंस, वी कैन से दैट B1 इज अ प्रीडिसेसर ऑफ B2। अब ये जो प्रीडिसेसर का वर्ड आया है, इसका क्या मतलब होता है? प्रीडिसेसर का मतलब होता है पहले एग्जीक्यूट होने वाले ब्लॉक्स, पहले एग्जीक्यूट होने वाले ब्लॉक्स, और पहले एग्जीक्यूट कौन सा ब्लॉक होगा, B1 होगा, ठीक है। मैं जरा एक मिनट में आया। हाँ जी, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि हमारे पास आपके जो ब्लॉक्स होंगे वो किस तरीके से बनेंगे और उनका जो है वो फ्लो किस तरीके से होगा, ठीक है। देखें कि हमने क्या किया, जो ऊपर वाली हमारी प्रॉब्लम थी जिसके अंदर हमने ब्लॉक बनाया था एक B1 और एक बनाया था ब्लॉक B2। ड्रॉ द फ्लो ग्राफ फॉर द थ्री एड्रेस कोड्स गिवन इन द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में B1 ब्लॉक बनाया था और B2 बनाया था। B1 हमारे पास क्या है, प्रीडिसेसर है B2 का, ठीक है, यानी पहले एग्जीक्यूट B1 होगा और B2 उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। और B1 से ही हमने एरो लगाना क्यों शुरू किया, B1 से ही हमने एरो लगाना इसलिए शुरू किया कि B1 के अंदर जो थी ऐसी लीडर स्टेटमेंट थी जो हमारे थ्री एड्रेस कोड की फर्स्ट स्टेटमेंट थी, ठीक है। अगर वो फर्स्ट स्टेटमेंट B2 में होती ना, तो हम B2 से ही लाइन लगाना शुरू करते, यानी हमारी डायरेक्शन B2 से ही फिर शुरू होती,
लेकिन क्या हुआ कि बाय चांस उस लाइन में क्या हुआ, वो पहली जो लाइन है वो हमारी कहाँ आ गई है, वो B1 में आ गई है, थ्री एड्रेस कोड की फर्स्ट स्टेटमेंट जो कि लीडर स्टेटमेंट थी वो हमारी B1 में आ गई है। इस वजह से हमने B1 से एरो लगाने स्टार्ट किए हैं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट आपका B1 है, और B1 से हम B2 की तरफ मूव कर गए हैं, ठीक है। और B2 मूव करने के बाद हमने कहाँ जाना है, B2 में देखे लास्ट लाइन पे हमने क्या लिखा था कि गो टू 5 था, यानी फिर दोबारा आप B2 में जा रहे हैं, यानी B2 से घूम के B2 में ही वापस आ रहे हैं, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन क्या है हमारी, B2 से B2 में ही रहना है हमने, यानी ये आपकी क्या होगी, ये लूप आपकी सर्कुलेट हो रही है, ये आपकी लूप बता रही है कि ये आपने इसी लूप को कंप्लीट करते रहना है, और यहीं से ही प्रोग्राम आपका क्या होगा, टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो अब होगा ये कि आपके पेपर के अंदर इस तरह से क्वेश्चंस होंगे कि आप क्या करेंगे, आपको एक C++ का कोड दिया जाएगा, ठीक है, उस C++ के कोड को आप क्या करेंगे, आप थ्री एड्रेस कोड में शिफ्ट करेंगे, ठीक है, थ्री एड्रेस कोड में आप उसको कन्वर्ट करेंगे, और थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट करने के बाद उसका बनाएंगे बेसिक ब्लॉक, और उस बेसिक ब्लॉक को यूज करके आप बनाएंगे फ्लो ग्राफ, ठीक है। तो फ्लो ग्राफ बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, बेसिक ब्लॉक की ज़रूरत पड़ती है, और बेसिक ब्लॉक बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है थ्री एड्रेस कोड की, और थ्री एड्रेस कोड बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑब्वियसली कि हमारे पास कोई इनपुट होनी चाहिए, सी का कोड होना चाहिए जिसका हम थ्री एड्रेस कोड बनाएं, और उस थ्री एड्रेस कोड को फिर हम आगे फर्दर बेसिक ब्लॉक में और फ्लो ग्राफ में यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ये एक चेन है, चेन का मतलब कि सीक्वेंस है स्टेप्स का, ठीक है, स्टेप्स का सीक्वेंस है कि पहले आपको इनपुट चाहिए और इस इनपुट के अगेंस्ट आपको थ्री एड्रेस कोड चाहिए, और उस थ्री एड्रेस कोड की हम बना सकते हैं बेसिक ब्लॉक, और जब तक बेसिक ब्लॉक नहीं बनाए जाएंगे इट मीन्स कि हम उसका फ्लो ग्राफ भी नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स हैं ये आपको करवाने का मकसद ये है कि यही थ्री एड्रेस कोड आगे फर्दर और भी जगहों पे इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो आपकी बेस है वो बेस आपकी थ्री एड्रेस कोड ही है, ठीक है। जब तक थ्री एड्रेस कोड नहीं जनरेट होगा ऑब्वियसली बेसिक ब्लॉक नहीं जनरेट होगा, फ्लो ग्राफ जनरेट नहीं होगा। तो आपका थ्री एड्रेस कोड जितना अच्छा बना हुआ होगा, जितना करेक्ट बना हुआ होगा, उतना ही करेक्ट आपके बेसिक ब्लॉक बनेंगे, उतने ही करेक्ट आपके फ्लो ग्राफ बनेंगे। लेकिन अगर आप थ्री एड्रेस कोड को ही सही तरीके से नहीं बनाते तो ऑब्वियसली आपके बाद में आने वाले दोनों आंसर्स, यानी बेसिक ब्लॉक और फ्लो ग्राफ, दोनों गलत होंगे। यानी अगर थ्री एड्रेस कोड गलत बना दिया तो इट मीन्स कि बेसिक ब्लॉक भी आपने गलत बना दिया, और फिर आपका फ्लो ग्राफ भी गलत हो गया। तो वो आपके नेक्स्ट आने वाले जो दोनों टॉपिक्स हैं उनका जो सोल्यूशन है वो आपका बेस करता है किसके ऊपर, थ्री एड्रेस कोड की करेक्ट जनरेशन के ऊपर, कि अगर इसको करेक्ट जनरेट नहीं करेंगे तो आने वाले क्वेश्चंस के सोल्यूशन आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली आपके नंबर 0 हो जाएंगे, अगर आपने पहला काम ही सही नहीं किया तो इट मीन्स के बाकी दोनों काम भी आपके सही नहीं हैं, क्योंकि वो इसी पे बेस कर रहे होते हैं, थ्री एड्रेस कोड पे, ठीक है। तो इसलिए भाई थ्री एड्रेस कोड की प्रैक्टिस कीजिए, और मैंने आपको उससे रेलिवेंट एक असाइनमेंट भी दे दी है, और वो एक किस्म की आपकी समझने के ज़्यादा वेटेज की असाइनमेंट है, ठीक है, ज़्यादा वेटेज की असाइनमेंट है, जिसमें दो क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था कि हमने क्या करना था उसमें, जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में नहीं प्रॉब्लम सॉल्व की थी, जिसमें हमने C++ के कोड को थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट किया था, 5 कॉमन फॉर्म्स डिस्कस की थी हमने, जिसमें असाइनमेंट स्टेटमेंट थी, कॉपी स्टेटमेंट थी, कंडीशनल थी, अनकंडीशनल थी, और एक स्टेटमेंट और थी, ठीक है। तो
तो वो हमने डिस्कस की थी, वाइल की भी, डू वाइल की भी, इफ की भी, इफ एल्स की भी, ये सारी हमने डिस्कस की थी। तो उसके अलावा मैंने आपको उसी पैटर्न पे टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया था जिसके अंदर आपकी जो है तीनों लूप्स आ जाएं, लूप फॉर भी, डू भी और वाइल भी, ठीक है। और साथ आपको बताया था कि आपने इसके अंदर ऐड करना है स्विच स्टेटमेंट को, और साथ ऐड करना है आपने क्या था, अरेज को, ठीक है, वन डायमेंशनल, टू डी अरे और थ्री डी अरे। तो ये अगर चार पांच तरह के आप क्या करें उसके अंदर सॉल्व करने की कोशिश करें, तीन लूप्स हो जाएंगे, तीन अरे हो जाएंगे छः, और सातवीं आपकी स्विच स्टेटमेंट हो जाएगी। तो सात तरह, और एक आठवीं पॉइंटर भी थी, ठीक है। तो पॉइंटर आपका, आपका अरे, आपका स्विच स्टेटमेंट और आपकी लूप्स, तो ये आठ तरह के अगर आप काम कर लेते हैं तो इट मींस कि आप बहुत अच्छा थ्री एड्रेस कोड जनरेट कर लेंगे। और फिर जितने भी ये आप मैनुअली करते हैं असाइनमेंट, ठीक है, इसका कोड नहीं लिखना, ये असाइनमेंट मैनुअली हाथ से सॉल्व कर रही है, जिस तरीके से ये क्या है, ये आउटपुट आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर कोई अपनी मर्जी से इनपुट ले लें आप। मैं आपको सैंपल भी दिखा देता हूँ, देखें ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं थ्री एड्रेस कोड की, कि ये मैंने वाइल की एक एग्जांपल ली और उसको मैंने इस तरीके में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपने पेज के ऊपर मैन्युअली परफॉर्म कर लें, और इस तरीके से आपकी वो पीडीएफ फाइल भी बन सकती है, उसकी इमेजेस भी आप अपनी असाइनमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरीके से आपने पहले किया था असाइनमेंट नंबर टू, अपना असाइनमेंट नंबर टू में भी आपने यही काम किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपने, अब तो ये वाइल की एग्जाम्पल है, मैंने आपको डू वाइल का सैंपल भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, और स्विच स्टेटमेंट का भी इसी असाइनमेंट के अंदर आपको मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था। तो इस तरीके से आपने फॉर लूप को शुरू करना है, ठीक है। अभी आप सर पॉइंटर्स को कैसे डील करेंगे, वो आपने एक्सप्लोर करना है ना, उसमें आपने क्या करना है, बुक में जाना है, बुक को ओपन करना है चैप्टर नंबर फोर में, ठीक है, जहाँ पर थ्री एड्रेस कोड का टॉपिक शुरू हो रहा है। उस थ्री एड्रेस कोड के टॉपिक के अंदर आपको इन सारी चीजों के एग्जांपल्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो उन एग्जांपल्स को आपने एक्सप्लोर करना है, और अपनी मर्जी से कोई इनपुट स्टेटमेंट लेनी है, और उसकी आपने क्या करना है, थ्री एड्रेस कोड जनरेट करना है। ये मैं बता रहा हूँ सोल्यूशन किसका, क्वेश्चन नंबर वन का सोल्यूशन बता रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर वन के अंदर कोई प्रोग्रामिंग नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर टू के अंदर क्या करना है, उसकी वेटेज ज़्यादा है, ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, सी प्लस प्लस का कोड लिखना है, जो कोड क्या करे, इनपुट ले हमसे सी प्लस प्लस का कोड, और आउटपुट जनरेट करे थ्री एड्रेस कोड। और वो हमारी इनपुट जो है वो किसी भी तरह की हो सकती है, वो हमारी कोई स्विच स्टेटमेंट भी हो सकती है, वो हमारी कोई लूप भी हो सकती है, वो हमारी कोई जो है आपका पॉइंटर भी हो सकता है, वो आपकी कोई जो है आपकी अरे स्टेटमेंट भी हो सकती है। यानी थ्री सी प्लस प्लस का कोड जो है उसकी जितने भी फॉर्म्स हों, बेशक वो कॉपी है, वो असाइनमेंट स्टेटमेंट है, वो वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, या वो कोई लूप्स हैं, या वो कोई स्विच स्टेटमेंट है, या वो कोई आपकी पॉइंटर है, या वो कोई आपका अरे है, ठीक है। तो सी का कोड जिस जिस भी शक्ल में हो सकता है, वो हम क्या करें, नोट पैड के अंदर उस टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर हम क्या करें, अपनी इनपुट को सेव करवाएं और उसको रीड करवाएं, ठीक है, नोटपैड की फाइल को रीड करवाएं, जिससे हमें वो क्या करे, उसको रीड करने के बाद उसको थ्री एड्रेस कोड में शिफ्ट कर दे। तो आपने उनके रूल्स बनाने हैं, वो रूल्स क्या करेंगे, वो आपकी इनपुट के ऊपर अप्लाई होकर उसको थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी आप किसी तरह के भी हो सकता, हाँ जी, मतलब अगर वाइल लूप हम 10 टाइम चलाएं, 15 टाइम चलाएं, हार्ड कोडेड नहीं होगा? हाँ नहीं, हार्ड कोडेड नहीं होगा, उसमें आपकी आउटपुट उसी तरीके से ही जनरेट होगी जिस तरीके से आपकी, आपने सीक्वेंस जो है वो आपने अपना बनाया हुआ है, ठीक है, आपके कोड की जो सीक्वेंस ही है वही सीक्वेंस में वो क्या करेगा, उसका थ्री एड्रेस कोड जनरेट करेगा। हमने क्या कर रहे थे, हम उसमें गो टू का लेबल यूज़ कर लेते थे ना, जब आपका लूप बार बार एग्जीक्यूट आपने करवाना होता था, तो वो गो टू स्टेटमेंट वापस yes,
है, फिर वापस उसी के ऊपर ले आती है, तो वो इस तरीके से। लेकिन हर कोड के अंदर कोई ना कोई टर्मिनेशन पॉइंट तो होता ही है। जिस तरह आपने क्या, हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर प्रॉब्लम के अंदर क्या किया था, यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ आपको। हमने देखा यहाँ पर एक एग्जिट स्टेटमेंट भी देते हैं ना, कि आपका जो है ट्रू पार्ट तो ये है और आपका एल्स पार्ट ये है, ठीक है। तो ट्रू के बाद भी उसने एग्जिट पॉइंट पे आना है, और उसने आपके ट्रू के दूसरा वाला कौन सा था अपना, फाल्स, तो फाल्स के बाद भी उसने एग्जिट स्टेटमेंट पे आना है। तो दोनों सूरतों में आपका प्रोग्राम हाल्ट में नहीं जा सकता, ठीक है। दोनों सूरतों में वो टर्मिनेट तो होगा ही होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये ब्लॉक मैं कॉपी करके पेस्ट करूँ अगर मैं किस में, नोट पैड की फाइल में, और आप उस फाइल को रीड करवाएं, उसको रीड करने के बाद उसके ऊपर इनके रूल्स अप्लाई कर दें, ठीक है। कि अगर क्या होगा, रूल्स किस तरीके से होगा, कि हम अगर हमारे पास इफ की लाइन है, तो इफ की लाइन की जो 3 डैश कोड इसके इक्विवेलेंट हो सकता है वो ये हो सकता है, इसके लिए वाइल के लिए ये हो सकता है, डू वाइल के लिए ये हो सकता है। तो इस तरीके की आपको बहुत सारे बिल्ट इन रूल्स नेट से भी मिल जाते हैं, ठीक है। और ये काम आप ऑलरेडी असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी कर चुके हैं, 3 एड्रेस कोड की जो जनरेशन, वहां पर आप भी उसको 3 एड्रेस कोड ही नाम दे रहे थे ना असेंबली के अंदर भी, या आप असेंबली कोड का नाम दे रहे थे। तो आप उसको समझ लें कि आपने असेंबली का कोड क्रिएट करना है सी प्लस प्लस के कोड के अगेंस्ट, ठीक है। तो वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कहलाएगा, जिसका होगा सोर्स कोड, ठीक है। तो यानी उसको प्रोग्राम, उसका प्रोग्राम लिखना है, और पहले वाले क्वेश्चन का क्या करना है, मैन्युअली पेज पे सॉल्व कर लें, ठीक है। और उसके ऊपर आपकी ये सारी टाइप्स जो मैंने बताई हैं कॉमन फॉर्म्स आपकी, इनकी एग्जांपल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा टास्क है। अभी इधर लेक्चर की रिकॉर्डिंग में बंद करता हूँ और स्टॉप रिकॉर्डिंग।